हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे मटन कीमा करी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल फूडहॉलिक्स कॉर्नर को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मेरी आगे आने वाली रेसिपीज़ भी आप तक पहुँच सके। चलिए अब मटन कीमा करी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में आधा कप यानी 50 ml के करीब ऑयल हीट कर लेंगे। 2 तेज़पत्ता, 4-5 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 इंच दालचीनी और थोड़ा सा जायफल लेकर बघार लगाएंगे। अब इसमें 4 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे। हीट को लो मीडियम फ्लेम पर रख कर प्याज को कुछ देर तक सौटे कर लेंगे। जब प्याज का कलर क्रीमिश गोल्डन हो जाए, तब इसमें मटन कीमा शामिल कर लें। यहाँ मैंने 400 ग्राम वॉश और रिंस किया हुआ मटन कीमा लिया है। अब कुछ देर तक चलाते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब 1/2 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट को शामिल करके मिक्स कर लेंगे। और हीट को मीडियम लो फ्लेम पर रखते हुए लिड लगाकर 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट बाद लिड हटाकर कुछ देर तक हम कीमे को भून लेंगे। जब ऑयल दिखने लगे, तब इसमें पाउडर मसालों को ऐड कर दें। यहाँ मैंने 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून काले मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। इन सब मसालों को कुछ देर तक चलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे। अब 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके कुछ देर तक चलाते हुए भून लेंगे। जब मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए, तो इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। 2 फांक में कटी हुई हरी मिर्चियाँ, थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक और धनिया की पत्तियों को काट कर इसमें शामिल कर लेंगे। अब लिड लगाकर 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे। इस तरह से ये टेस्टी और स्पाइसी रेस्टोरेंट स्टाइल मटन कीमा करी तैयार है।